Hello students, in the last video we have discussed definition of group, order of the group and order of the elements of the group. Now we will move to the some examples of the group, and in this example we will discuss groups like R star, Q star. Okay, what is R star? R star is R minus 0 element. It is a group under multiplication. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को हमने डॉट्स लिखा है, तो R star is a group under multiplication. Similarly, Q star. Similarly, complex numbers में. Now, आपको एक ग्रुप पढ़ाना, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉडलो है. ये क्या एडिशन मॉडल है, इसको इससे डिनोट करते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. तो ये क्या है, जेड एन अंडर एडिशन मॉडल है. इस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इस ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऑर्डर क्या क्या होते हैं, ये आपका बहुत जगह यूज होगा ये ग्रुप, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए. ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं. इसमें क्या क्या होता है, इसमें जेड एन को कैसे डिफाइन करते हैं, जेड एन क्या है. जेड एन होता है, टेक इट लाइक दिस, 0, 1, 2, up to n-1. ओके, ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो n. इसमें अब आपको पता होना चाहिए कि मान लो दो एलिमेंट हैं जेड एन के, अगर उनमें एडिशन मॉडुलो एन लगाया है तो उसका मीनिंग क्या है. ए बी बिलोंग्स टू जेड एन. इसका मीनिंग है कि जो भी रिमाइंडर आएगा व्हेन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन. ये रिमाइंडर जो आएगा ना, व्हेन ए प्लस बी को एन से डिवाइड करेंगे, तो ये उसकी वैल्यू जो होगी वो इस ग्रुप में आ जाएगी. ठीक है, समझ गए. जेड एन में एडिशन मॉडुलो एन ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है. एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ जेड फाइव. जेड फाइव में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, 0, 1, 2, 3, 4. ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन मॉडुलो 5. अब इसमें मान लो यहाँ पे लिख लिया एडिशन मॉडुलो 5, यहाँ पे एलिमेंट ले लिया 1 या 0, पहले 0 से स्टार्ट, यहाँ पे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0, 0 और उसके 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट क्या है, 1. 0, एक एलिमेंट 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, 0 प्लस 1, 1. 1 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1. ठीक है, सिमिलरली 2 का 2 आएगा, 3 का 3, 4 का 4. अगर 5 का करते हैं, 5 प्लस 0 में लगाते हैं, तो इट मींस क्या हो गया, 5 प्लस 0 कितना होगा, 5. और 5 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. तो 5 का मीनिंग क्या होगा, 5 0 हो गया अंडर मॉडुलो 5. ठीक है, तो आगे इसलिए 5 एलिमेंट, 5 का मीनिंग 1 हो जाएगा, 6 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 5 का मीनिंग 0, 6 का मीनिंग 1, 7 इक्वल टू 2, सिमिलर. ठीक है, सो तो ये टेबल ऐसे बन जाएगी. अब आप यहाँ पे 1 लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1 प्लस 1, 2, 3, 4, और 4 प्लस 1 क्या होगा, 5, 5 का मीनिंग 0. आप टेबल कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे बाकी. ठीक है, इसमें देखो ये जीरो एलिमेंट क्या होगा,
आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो, ठीक है, जीरो फाइव ये सब क्या है, इक्वल है ये एलिमेंट, फाइव का मीनिंग भी जीरो हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, क्लोजर चार्ट, इसको बोलते हैं क्लोजर चार्ट, मीनिंग हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली, जीरो किसी भी दो एलिमेंट को करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे तो उसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, जीरो वन के बीच में लगा रहे हैं वन, जीरो टू के बीच में लगा रहे हैं तो टू, ठीक है। नाउ एसोसिएटिविटी हो गई, आइडेंटिटी हो गई, नाउ इनवर्स, इनवर्स में क्या करते हैं हम, कि इनवर्स में क्या होता है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू डी सच दैट ए इंटू ए इनवर्स एंड ए इंटर्स इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये होना चाहिए। हमारी ई का मीनिंग आइडेंटिटी होता है, उसको आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, जीरो, और अगर वन है, वन का इनवर्स निकालना है, वन का इनवर्स क्या होगा एडिशन की टर्म में, माइनस वन, और माइनस वन जीरो कब आएगा बताओ, माइनस वन का मीनिंग क्या होगा, वैसे अगर ग्रुप के एलिमेंट्स में करेंगे तो माइनस वन में कितना सम करें कि रिमेंड उसको फाइव से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा, मान लो माइनस वन किसके इक्वल होगा, थ्री के इक्वल होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो देखो, माइनस वन अगर थ्री को डिवाइड करेंगे तो सॉरी फोर आएगा ना, माइनस वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा ना, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना। अरे यार ऐसे होता है ना, देखो मॉडुलो ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि ए को एन से डिवाइड किया तो बी वैल्यू आई, अगर यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन को अगर फाइव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ फोर ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया है कि ए माइनस बी में को अगर फाइव से एन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए, इट्स रिमाइंडर शुड बी जीरो, ये हमारा मॉडुलो का मतलब होता है। तो माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, फोर अंडर एडिशन मॉडुलो फाइव, या इसको आप लिख सकते हो मोड फाइव, ठीक है। तो वन का इनवर्स क्या होगा, फोर, सिमिलरली टू का इनवर्स निकालना है कितना होगा, माइनस टू, माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, थ्री, तो टू इनवर्स क्या होगा, थ्री मोड फाइव, माइनस टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, और माइनस फाइव को जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। जी आपको अलग से समझा देंगे मॉडुलो के ऑपरेशन कैसे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी यूज होंगे, तो आप इसको आपको ये डिटेल में अलग से वीडियो में समझा दूंगा कि मॉडुलो ऑपरेशन कि मॉडुलस कैसे मोड कैसे डिफाइन करते हैं मॉडुलो। ये ग्रुप हो गया कंप्लीट, आपने इसमें आइडेंटिटी निकाल ली, इनवर्स निकाल ली, और कॉम्यूटेटिव तो है ही, आप इसको कॉम्यूटेटिविटी डिफाइन कर सकते हो इजीली। कॉम्यूटेटिविटी कब करते हैं, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ये आप इजीली डिफाइन कर लोगे ऊपर, यहाँ से इस टेबल से आप डिफाइन कर लेना,
कि जीरो और वन में लगाओगे और वन और जीरो में एलिमेंट सेम आ रहे हैं, देखो। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अगला ग्रुप क्या करेंगे। अगले ग्रुप में हमने एक ग्रुप पढ़ते हैं, एक ग्रुप लेते हैं जी इज इक्वल टू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। और ओमेगा क्या लिया यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, दैट इज ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू वन बाई थ्री, और वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का मीनिंग। ये भी एक ग्रुप है, अंडर विच ऑपरेशन बताओ, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, इट इज ए ग्रुप ठीक अंडर मल्टीप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं ग्रुप का, इंटीजर्स मॉडल ऑन हमने कर लिया। कुछ ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चंस आ जाएं किस टाइप के, कि जेड को ये सॉरी ये कोई ऑपरेशन हमने अलग से ले लिया, मॉडुलो नहीं है, और यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग अगर यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इसका मीनिंग है दिस, इस ऑपरेशन का ये टू है, कि हमने ये कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, और इस ऑपरेशन को अगर दो एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो उन दोनों का सम हो जाता है और टू उसमें ऐड हो जाता है। तो इस टाइप के ग्रुप को अगर चेक करना है कि वो ग्रुप है या नहीं, तो उसमें आप चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे, इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये हमारा क्या आ जाएगा ग्रुप। मेन है इसमें आइडेंटिटी आप कैसे निकालोगे, अगर आपको आइडेंटिटी निकालनी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालोगे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए कि भाई अगर उसमें ई ऐड करे तो उसको बोथ साइड से तो हमारा क्या आना चाहिए, सेम एलिमेंट, ओके। तो हमें इस ई की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस ई का मीनिंग क्या होगा दिस, और इसका मीनिंग क्या होगा दिस, ये किसके इक्वल है ए के इक्वल, ये भी किसके इक्वल है ए के इक्वल, ए से ए कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज ई की वैल्यू क्या है माइनस टू। तो हमें पता चल गया यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, देयर फोर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया हमारा माइनस टू, ऐसे निकालेंगे। सिमिलर वे में आप इनवर्स निकाल सकते हो, एंड दिस माइनस टू बिलोंग्स टू जेड, ये भी कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, मतलब सेट से बिलोंग करना चाहिए, तभी तो ग्रुप होगा। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, आप करके भी देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई ग्रुप है दिस और उसमें स्टार को क्या डिफाइन किया है, कोई सेट ले लिया हमने अंडर दिस ऑपरेशन, और ए स्टार बी को क्या डिफाइन कर दिया, ए बी बाय टू, और क्यू प्लस क्या है, क्यू प्लस का मीनिंग क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव
रैशनल नंबर्स। आप इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देखेंगे, ये एक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, आप कमेंट में मेंशन कीजिए कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जी ले लेते हैं, मैट्रिक्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जी कंसीडर करो, क्या लेंगे जी को? सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स ओवर आर। इसको कैसे लिखते हैं? सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स मैट्रिसेस ओवर आर। ऑपरेशन क्या लेंगे यहाँ पे? अंडर एडिशन। अब आप यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो, इसमें आइडेंटिटी क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। किस टाइप की? ये और अरे का इनवर्स भी निकाल लोगे आप, इनवर्स तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, इनवर्स इजीली हो जाएगा, आप इनवर्स कर लें। नाउ एक ग्रुप होता है जी एल थ्री आर, क्या बोलते हैं इसको? जनरल लीनियर ग्रुप। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? इसमें वो सब 3x3 की मैट्रिक्स होंगी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दैट इज अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, और ए आई जे कहाँ से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। और डिटरमिनेंट ऑफ के क्या होगा? नॉन जीरो, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर दैट इज इनवर्स एग्जिस्ट। इस पे क्वेश्चन भी आया था अब की बार एक जैम में। और इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे एक कंडीशन मस्ट है कि डिटरमिनेंट ए शुड बी नॉन जीरो, नहीं तो ये टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इस टर्म के एग्जिस्टेंस के लिए डिटरमिनेंट ए शुड बी नॉन जीरो। ये आपको समझ में आ गया? ये ग्रुप होता है और इसमें आप आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा हमारा, क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट? आई 3x3, दैट इज 100010। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या होता है? वन नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फॉर आई बिलोंग्स टू जी एल थ्री आर। ये जरूरी है प्रूव करना कि भाई ये उस सेट से बिलोंग करते हैं। इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? इसमें प्रॉपर वे में लिखना हो तो आप पेपर में ऐसे लिखें, कंसीडर ए बिलोंग्स टू जी, है। अगर ए बिलोंग्स टू जी है, देयर फॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये बिलोंग्स टू जी है, जी एल थ्री आर भी लिख सकते हो आप। और ये ए इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? बिकॉज
ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो, ये इस वजह से एग्जिस्ट करेगा। इसमें एक ग्रुप होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि ऑल दोज मैट्रिसेस सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू आर, बट दिस वन, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है वन, इसको बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। अब हमने ग्रुप ऑफ द ऑर्डर पढ़ा था, तो ऑर्डर ऑफ जी एल एन, और यहाँ पे मान लो एफ क्यू, मतलब ऐसा ग्रुप हो जिसमें क्यू एलिमेंट हो, ऐसे फील्ड से एलिमेंट बिलोंग करते हो आर के, एफ क्यू क्या ले लिया यहाँ पे, इस टाइप के एलिमेंट ले लिया जिसमें क्यू एलिमेंट हो, फिल्ड विद क्यू एलिमेंट्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा दिस, ये आप याद कर सकते हो, आपको पेपर में आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। नाउ नेक्स्ट, अगर हमें चेक करना है एस एल एन एफ क्यू का ऑर्डर, तो इसमें क्या आएगा, ये डिवाइड बाय क्यू माइनस वन, ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। ये आप शॉर्टकट से आप पेपर में यूज कर सकते हो इन चीजों को। नो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।